नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट है। HTET एग्जाम डेट आउट, 25-26 को होगा पेपर। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT प्राइमरी ग्रेजुएट टीचर, PRT प्राइमरी टीचर की 20,000 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। पूरी नोटिफिकेशन दिखाएंगे, पूरी अपडेट बताएंगे, कोई भी स्किप ना करें क्योंकि स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होने वाली है। सबसे पहले अपडेट चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो नवंबर में हो सकती है अध्यापक की पात्रता परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर VP यादव और बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन नवंबर माह में हो सकता है। इसके लिए प्रपोजल बनाकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। वहीं उन्होंने 8वीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा करवाए जाने के सवाल पर कहा कि इसको लेकर भी प्रपोजल सरकार को भेजा गया है तथा इसका रिमाइंडर भी भेजा है। राज्य सरकार का अंतिम निर्णय लेना है, ठीक है जी। तो नवंबर में टीचरों की भर्ती PGT, PRT और TGT की हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, कितने पदों पर होगी उसका पूरा ब्यौरा बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो शिक्षकों के इंतजार में विद्यार्थी, 31,000 पद खाली हैं। सबसे अधिक PGT के 16,000 और सॉरी TGT के 16,000, PGT के 8,703 पद खाली हैं, ठीक है जी। तो 20 यहाँ पर देख सकते हो 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार अग्रसर है। शिक्षकों की भर्ती के साथ स्थाई के साथ साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भी लगाए जाएंगे अध्यापक, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हो स्वीकृत पद कितने हैं, जैसे प्रिंसिपल के 2,442 हैं, कार्यरत 1,856 और 588 प्रिंसिपल के पद खाली हैं। इसी तरह देख सकते हो शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली है। 11,000 पदों को पक्की भर्ती से भरा जाएगा जबकि 9,000 शिक्षकों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखेंगे। जल्द ही अध्यापकों की तबादला ड्राइव भी शुरू की जाएगी, ठीक है, और इसके बाद छात्रों की संख्या के अनुसार ही शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेवात में 50% खाली पद हैं, स्कूल में कुल 10,641 पद स्वीकृत हैं, जहाँ पर 5491 स्टाफ भी तैनात है, बाकी 5154 अभी बाकी पद पड़े हैं शिक्षकों के। ये डाटा दिया हुआ है जी, 31,434 अध्यापकों की कमी है। सबसे अधिक PGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 16,022, PGT ग्रे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 8,703 पद खाली हैं, प्रिंसिपल हेडमास्टर के साथ साथ JBT जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, PRT प्राइमरी टीचर तक के पदों पर भी भर्ती होनी बाकी है। आलम है ये है कि कई स्कूलों में तो एक एक अध्यापक है, जबकि काफ़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां पर महत्वपूर्ण हिंदी अंग्रेजी विषय के अध्यापक ही नहीं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हरियाणा के तमाम दावों के बावजूद शिक्षकों की भर्ती लंबित चल रही है, जिसके चलते पिछले कई सालों से यह स्थिति बनी हुई है। खाली पदों पर स्थायी रूप से भरने के बजाय अब सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी टीचरों के पदों को भरने की तैयारी में है, जो कि आपको बता चुके हैं 11,000 तो परमानेंट, 9,000 हरियाणा कौशल HKRN के थ्रू भरे जाएंगे। हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के स्कूलों में 1,20,966 पद स्वीकृत हैं। पहले 38,000 शिक्षकों की कमी थी, लेकिन हाल ही में TGT की भर्ती पूरी होने के चलते ये आंकड़ा घटकर 31,000 तक पहुंच चुका है, ठीक है जी। ये 20,000 का प्रूफ आपको दे दिया, 20,000 जिनमें से 11,000 पहले भी, मैं शायद आज से एक मंथ पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप डिस्कस 2 दिन पहले भी कर चुके हैं इस पर भी, 20,000 पदों की भी भर्ती होने ही जा रही है। 11,000 तो परमानेंट HSSC करेगा, 9,000 परमानेंट HKRN करेगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी 9,000 की भर्ती और 11,000 की परमानेंटली सरकार की तरफ से भर्ती की जाएगी। ये भर्ती इसका एग्जाम
नवंबर में लिया जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है, बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।